अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी डो बॉल्स, इसको आप पिज़्ज़ा डो बॉल्स भी कह सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने प्याली में लिया हुआ है आधा कप पानी, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून यीस्ट, 1 टीस्पून चीनी, और अब मैं इसको अच्छे से मिलाकर 10 से 15 मिनट रख दूंगी। यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल में लिया हुआ है 1 कप मैदा, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक हसबे जायका। नमक के बाद अब इसमें जाएगा चीनी और यीस्ट का मिक्सचर, 1 टेबल स्पून ऑयल, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको एक स्टिकी डो बना लूँगी। इसको सख्त नहीं गूंदना है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा नरम ही रखना है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको गूंद लिया है नरम, और अब मैं इस पे थोड़ा सा तेल लगा के इसको रख दूंगी आधा घंटा या 1 घंटा। यहाँ पे मैंने एक प्याली ली हुई है, और अब मैं इसमें चंक्स का मिक्सचर बना दूंगी जो हम इस डो के अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चिकन चंक्स लेकर उनको चॉप कर लिया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप शिमला मिर्च चॉप की हुई और नमक हसबे जायका। अब इन सबको अच्छे से मिलाकर मैं रख दूंगी। 1 घंटे के बाद ये फूल चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूंगी और इसको अच्छे से गूंद लूंगी फिर से। इसमें ज़्यादा मैदा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है ताकि ये जो हाथों में इतना चिपक रहा है वो ना चिपके। बस यहाँ पे मैंने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिया था, और अब मैं इसका एक छोटा सा पेड़ा बना लूँगी, या आप अपनी मर्ज़ी से जो भी साइज़ रखना चाहते हैं उस हिसाब में बना लें। वैसे ही बनेगा जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे इस पेड़े को फ्लैट कर रही हूँ, और इसमें मैं मोज़रेला चीज़ रख दूँगी। थोड़ी सी चीज़ रखने के बाद अब मैं इसमें मिक्सचर रख रही हूँ जो हमने चंक्स का रखा था फिलिंग बना के, और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। जैसे हम पोटली बनाते हैं उस शेप में आप बंद कर दें इसको, और ऊपर से इसको खुला ही रखना है, इसको पूरा बंद नहीं करना। और मैं बाकी के भी पेड़े इसी तरह से बना लूँगी। और अब मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ पैन में, पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ था, और इसके ऊपर मैं रख दूंगी थोड़ी सी मोजरेला चीज़ और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे ऑलिव रखना चाहें या कुछ और रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। और अब बस इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं जो हूँ उसको दम की आंच पे रख दूंगी आधे घंटे के लिए ताकि ये बन जाए अच्छे से। आधा घंटा हो चुका है और ये डो बॉल्स बन चुके हैं, तो अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।